फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ में हाई स्कूल में फेल हुए लेकिन करोड़पति बनने का जो सपना था उसे नहीं भूले, इसके लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और दिल्ली में खोल ली एक कंपनी। इस कंपनी में लड़कियों को सैलरी पर रखा गया और उनसे क्रेडिट कार्ड धारकों को फोन करवाया जाता था, जिसमें उनको बताया जाता था कि उनका गिफ्ट निकला है या फिर कोई रकम निकली है, जिसके बाद उन्हें एसी कार या फिर कोई अन्य आइटम दी जाएगी। चूंकि लड़कियों द्वारा क्रेडिट कार्ड का नंबर बिल्कुल सटीक बताया जाता था, इसलिए लोग विश्वास भी कर लेते थे, लेकिन रकम जमा करने के बाद कुछ नहीं मिलता था और तब पता लगा कि ये ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह दिल्ली से ऑपरेट होता था, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में था। पत्रकारों को जानकारी देते हुए SP देहात अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग क्रेडिट कार्ड पर ऑफर बताकर ठगी करने वाले गैंग के लोग हैं। इनके पास से 21 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 115 सिम बरामद हुए हैं। इसके अलावा 10 कॉलिंग रजिस्टर और 450 लोगों के खाते का विवरण मिला है। उन्होंने बताया कि ये लोग दिल्ली में पेन इंडिया के नाम से एक कंपनी चलाया करते थे। बैंक में नौकरी करने वाले दोस्त से ये क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेते थे। इसके बाद अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से फोन कराकर लोगों को उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, OTP नंबर आदि उनसे मांग लिया करते थे। देखिए, लगातार पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, अन्य प्रांतों की पुलिस द्वारा और खासकर मेरठ पुलिस द्वारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि कोई भी फ्री है आपको कुछ नहीं देगा, परंतु शायद इस अवेयरनेस की कमी के कारण कुछ ऐसे लोग हैं जो भूले भटके इसमें ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये जो पीछे आपके कुछ लड़के खड़े हुए हैं, ये सारे ही हाई स्कूल में फेल लड़के हैं। इन्होंने एक गैंग का संचालन शुरू किया। इनका एक दोस्त था जो कि SBI में था, वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल दिया करता था इन्हें। उस डिटेल के आधार पर ये कुछ लोगों को फ़ोन किया करते थे कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स निकलें, और वेरिफिकेशन की बात नहीं है, रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात है कि आपका ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है जिससे कि आपको ये गिफ्ट रिडीम हो सकता है या ये कैशबैक मिल सकता है, इस प्रकार का झांसा दिया करते थे। और उसके आधार पर उनके क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेकर और उससे धोखाधड़ी किया करते थे। एक ऐसी रिपोर्ट हमें थाना गंगानगर पर 393/19 मुकदमा लिखा गया था। उसी क्रम में जब साइबर सेल ने इस चीज़ को डेवलप करना शुरू किया, तो आप देख रहे हैं कि ये इतने सारे मोबाइल, इनके पास 125 सिम, यानी कि ये नंबर बदल बदल कर गौर किया करते थे। इनके पास से 10 रजिस्टर जो आपके सामने रखे हैं वो बरामद हुए हैं। ये लोग अब तक सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। SP देहात ने बताया कि इस गैंग के 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे ऐसी और खबरों को लेकर। नमस्कार।